आग्नेयास्त्र और कारतूस के साथ सिक्किम का एक युवक सिलीगुड़ी से गिरफ्तार। इलेक्शन से पहले आग्नेयास्त्र के खिलाफ प्रशासन का अभियान हुआ तेज। लोकसभा चुनाव से पहले शहर में एक के बाद एक आग्नेयास्त्र बरामद होने की खबर सामने आ रही है। इस बार प्रधान नगर थाने की पुलिस ने जंक्शन इलाके से एक बदमाश को आग्नेयास्त्र के साथ गिरफ्तार कर लिया। उक्त आरोपी का नाम मुकेश विश्वकर्मा है। वह सिक्किम का रहने वाला बताया गया, लेकिन कुछ वक्त से वह सिलीगुड़ी में ही रह रहा है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की रात सिलीगुड़ी जंक्शन इलाके में एक युवक को आग्नेयास्त्र के साथ देखा गया था। इसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया और जब उसकी तलाशी ली गई तो तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक तमंचा और एक ताजा कारतूस बरामद हुआ। उक्त आरोपी को आज सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। बरामद किया गया तमंचा और कारतूस आरोपी के पास कहां से आया और वह किस मकसद से लिए खड़ा था, यह मामला जांच का विषय है। हालांकि इलेक्शन से पहले किसी भी तरीके का अप्रिय घटना ना घटे, जिसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने आग्नेयास्त्र के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है।